हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी ह्यूमन। मैं हूँ सीमा, आप लोग के साथ में। मैं अपने चैनल पर कर रही थी हेल्दी हेयर ग्रोथ सीरीज, जो कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और सबको रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए, जब आप कुछ चीज़ को ठान लेते हैं करने के लिए तो आपको वो चीज़ मिलती है। मैं आप लोग को हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि भाई करोगे तो ही रिजल्ट आएंगे, नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे वो आपके नेल हो, चाहे वो आपकी आंखें हो, चाहे वो आपकी बॉडी हो, आपको जो चीज़ अच्छी करनी उस पर फोकस करना है। मैं तो ये कहूंगी कि ऑल ओवर बॉडी पे काम कीजिए, तभी तो आपको और भी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, है ना। तो आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ हेल्दी हेयर का हेयर टोनर। हेयर टोनर आपके बालों में किस तरीके से काम करता है, ये भी मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आप लोग के साथ में बहुत सारे सीरीज करने वाली हूँ, जिससे कि आप लोग को पता लग जाए कि टोनर क्या है, टोनर किस तरीके से यूज करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद देखेंगे टोनर कैसे प्रिपेयर करना। टोनर आपके बालों में, आपके बालों के लिए एक, मतलब ऐसा इंग्रेडिएंट समझ लीजिए, एक ऐसी चीज है जो कि आपके बालों को ऑयली होने से बचाती है, आपके बालों को प्रोटेक्ट करती है सन रेस से, डस्टिंग से, पॉल्यूशन से, आपको एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ देती है। क्यों देती है? क्योंकि ना, आप जब अपना टोनर यूज करते हैं तो किसी जड़ी बूटी से बनाते हैं हम, और किसी हर्ब से या किसी ऐसे इंग्रेडिएंट से जो कि हमारे बालों के लिए स्पेशली ग्रोथ के लिए होता है, उसकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि चावल है आपका, गेहूं है आपका, जौ है, जिसे जैसे आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि मैं बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स यूज करती हूँ अपने बालों के लिए और स्किन के लिए, ठीक है। जैसा मैंने आप लोग के साथ में वीडियोज में, बहुत सारी शॉर्ट वीडियोज में शेयर किया, तो अभी हम आज की वीडियो में जो आप लोग के साथ में टोनर शेयर कर रहे हैं, तो टोनर जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे चावल मेथी के साथ में और खसखस की जड़ के साथ। तो चावल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आप मेथी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, और खसखस की जड़ तो इतनी अच्छी है कि जो ऑयली स्कैल्प होती है आपकी उसको अच्छे से ट्रीट करता है। अब टोनर काम कैसे करता है, क्यों काम करता है, इतना अच्छा रिजल्ट क्यों देता है? टोनर इसीलिए अच्छे से काम करता है, लाइट वेट होता है, वाटरी बेस होता है। जब वाटरी बेस आप कोई चीज लगाते हो अपने स्कैल्प में तो वो आपको 4 गुना बेनिफिट्स देकर जाता है। साथ में हम इसमें ऐड करते हैं एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं, इनकी गुडनेस, इनकी फ्रेग्रेंस आपके बालों में ना जान डाल देती है। आप मेरे कहने पर इस टोनर को बनाकर यूज कीजिएगा, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब रही बात आपकी कि टोनर कब कब लगाना है, किस तरीके से लगाना है, वॉश कब करना है, तो टोनर लगाने के बाद आपको वॉश नहीं करना होता है, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए हेयर वॉश किया, हेयर वॉश करने के तुरंत बाद आपके बालों में आप रिंस वाटर डाल लेते हैं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, बालों को टाई कर लेते हैं, जूड़ा बना लेते हैं या टॉवल से रैप कर लेते हैं। जब आपके बाल अच्छे से सूख जाते हैं, 80% सूख जाते हैं, बालों से आपके पानी टपकना बंद हो जाता है, तो मैं कहती हूँ उस समय आपको टोनर लगाना है, ठीक है। एक आपका फर्स्ट टाइम वो हो गया जब आपने हेयर वॉश किया और तब आपने टोनर यूज कर लिया, ठीक। दूसरा आपका क्या है कि जब आप अपना ऑयलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑयलिंग के 2 घंटे पहले आप टोनर लगा लीजिए, अच्छे से कंघी कर लीजिए, बालों को सुलझा लीजिए और फिर टोनर का एप्लीकेशन आप कर लीजिए, ठीक। उस समय आपने एक बार टोनर लगा लिया। अब आपने क्या किया, एक दिन में 2 बार आपका टोनर लग गया, एक तो वॉश के टाइम पर और एक जब आप अपने बालों में ऑयलिंग करेंगे उसके 2 घंटे पहले, फिर टोनर अच्छे से आपके बालों में सूख जाए, सेकेंड टाइम वाला। उसके बाद आप कंघी करके अच्छे से पार्टीशन करके ऑयल एप्लीकेशन कर लीजिए। 1 महीने इस तरीके से आप चीजों को फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आएंगे। अभी जो जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं आप लोग को वो सारी चीजें यूज करने का मेथड भी बताऊंगी, ठीक है। अब आपके बालों में ऑयल लग गया है तो ऑयल आपका 2 दिन रहेगा, वही ऑयल आपका 2 दिन रहेगा जो ऑयल आपने सोमवार में लगाया, ठीक है। तो जैसे सोमवार में आपने ऑयल लगाया है तो वही आपका ट्यूजडे भी चलेगा, और वेनसडे को आप ऑयल लगे हुए बालों पर अपना हेयर पैक लगा सकते हैं। मेरे जितने बाल हैं तो आप टोनर को 2 बार लगाइए, हेयर वॉश कर लिया, हेयर वॉश के टाइम के बाद 1 बार, और जब ऑयलिंग करनी है उसके 2 घंटे पहले, ठीक है। यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब फिर उसके बाद आप वेनसडे को अपना कोई भी हेयर पैक लगा लीजिए, हैवी हेयर पैक, जैसे ब्राह्मी का पैक है, आंवले का पैक है, मेथी का पैक है, स्प्राउट्स के पैक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा लीजिए, या फिर आप हेल्दी हेयर सीरीज का या फास्ट हेयर ग्रोथ सीरीज का पैक लगा लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये जो सीरीज है हमारी धीरे धीरे फॉलो होती है। टोनर के ऊपर आप नाइट हेयर पैक, टॉनिक, सिरम सब कुछ लगा सकते हैं। टोनर ऐसा है कि आपको वॉश नहीं करना है, टोनर के ऊपर आप सब कुछ लगा सकते हैं, रिंस वाटर के ऊपर आप सब कुछ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें हेयर पैक लगा करके वॉश करना होता है, नाइट हेयर पैक लगाने के बाद हमें कुछ नहीं लगाना है, लगाने से पहले ही आपको सारी ही चीजें लगानी है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं हमारा जो टोनर है कैसे बनाना है, उसके बाद में मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर आपको ये बढ़िया सा टोनर बनाने के लिए 2 चम्मच चावल, 2 चम्मच मेथी
और आपको लेना है एक चम्मच के करीब आपका एप्पल साइडर विनेगर। रात भर के लिए चावल, मेथी और एप्पल साइडर विनेगर को पानी में भिगो कर रखना है, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था और मैं गई थी वृंदावन और ये काम मैं करके रख के गई थी, जिससे कि आपका जो चावल है, मेथी है और एप्पल साइडर विनेगर, विटामिन सी जिसमें बहुत सारा, तो ये क्या होता है, इसमें खमीर बन जाती है, खमीर उठ जाता है, ठीक है। तो ये आपके बालों के लिए ना एक वरदान की तरह काम करती है। डैंड्रफ, इची स्कैल्प अगर आपको है या जुए की प्रॉब्लम है तो वो बहुत अच्छे से हील हो जाती है। आपके हेयर के जो क्यूटिकल्स होते हैं उनको रिपेयर करती है, ड्राइनेस को बहुत अच्छे से हील करती है। नेक्स्ट हमने डाल दिया इसमें खसखस, खसखस की जड़ डाल दिया है और आपको ये खसखस की जड़ कहीं पे भी मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, आप कहीं से भी मंगा लीजिए। इसकी खुशबू, इसकी फ्रेग्रेंस, इसका अरोमा इतना गजब का लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है, आप इसको पी भी सकते हो, जैसे चाय होती है ना तो हम लोग पानी में इसको उबाल करके पी सकते हैं। इचिंग की प्रॉब्लम, ड्राइनेस की प्रॉब्लम, चाहे वो आपके स्किन में हो, चाहे वो आपकी बॉडी में हो, चाहे वो आपके हेयर के स्कैल्प में हो, जैसे स्कैल्प होती है हमारी तो वहाँ पर हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो खसखस की जड़ इतना मतलब फ़ायदेमंद है आपके बालों के लिए, आपकी ऑल ओवर स्किन के लिए। अगर आपके फेस पर दाने हो रहे हैं ना तो आप खसखस का लेप बना कर लगा सकते हो अपने पूरे फेस पर, और अगर आप चाहते हो कि आपका 2 से 3 टोन स्किन जो है आपका फेयर हो जाए तो उसके लिए भी मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोग के साथ। मैं एक सोच रही हूँ कंप्लीट स्किन केयर रूटीन शेयर करूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जैसे आपका स्टेप 1 टोनर है, फेस पैक है, फेस स्क्रब है, फेस मिस्ट है, फेस क्रीम है, आपका फेस लेप है, ऐसे करके। तो अगर आप लोग चाहते हो तो मैं शॉर्ट वीडियो में ये चीज़ आपके साथ में शेयर करूँगी, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा, यस के मैसेज कर दीजिएगा, यस स्किन केयर सीरीज चाहिए तो मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी सारी ही चीज़ें हमारे थ्रू धीरे धीरे ठीक होती रहेंगी, और आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है, रिजल्ट्स आते हैं तो अपना फीडबैक, कीमती टाइम निकालकर, आई नो दैट सब लोग बिजी हैं आजकल बहुत ज़्यादा, किसी के पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर हमारे लिए आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर डाला करें, जिससे कि हमें और भी मोटिवेशन मिलती है। अगर आपको मान लीजिए किसी रूटीन से, किसी रेमेडी से फ़र्क नहीं आया तो हम और एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आते हैं अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मीडियम टू आपको लो फ्लेम पर इसको इतना बॉईल करना है, मींस कि 10 मिनट, और जब ये 10 मिनट बॉईल हो जाएगा ना इसकी खुशबू आपके पूरे घर में फैलेगी, मतलब गजब की फ्रेग्रेंस है खसखस की, मुझे बहुत पसंद आई। अब यहाँ पर हमारा ये उबल चुका है, मैंने 8 मिनट बॉईल किया है, 10 मिनट नहीं। अब देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे, छानना आपको इस तरीके से। अब ये टोनर मैं इस तरीके से बना रही हूँ, इसमें मैं कोई भी ऑयल ऐड नहीं करूँगी, विदाउट ऑयल के बनाएंगे, इसमें हम सिर्फ एसेंशियल ऑयल ऐड करेंगे, वो भी मेरा फेवरेट है, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। विंटर का सबसे अच्छा जो ऑयल मुझे लगा वो है मेरा लेवेंडर, रोजमेरी, टी ट्री, सेज, सिट्रोनेला, ये सब मुझे बहुत पसंद आया। बट अभी जो समर आ जाता है ना, इसमें मुझे पसंद आते हैं आपके पेपरमिंट है, ये जो ठंडे ऑयल होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, योलंग के हो गए, बहुत सारे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लूंगी, और फिर आपके साथ में एसेंशियल ऑयल की जो लिस्ट है ना वो भी शेयर करूंगी, जिनको इंटरेस्ट होगा वो लोग अपना एसेंशियल ऑयल मंगा करके अपना हेयर केयर रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डाला पेपरमिंट की 20 ड्रॉप्स, आप कितनी डालेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग आंसर करते हो मेरे कमेंट का, मेरे क्वेश्चन का। फिर हमने यहाँ पर लेवेंडर का डाल दिया है 20 ड्रॉप्स, आप कितनी डालेंगे वो ज़रूर बताइएगा। अब स्प्रे बॉटल में डालिए और उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। सो गाइज, देखा आपने हमारा जो टोनर है बनकर के रेडी हो चुका है, इसको आप लोग अपने बालों पर लगाएंगे और लगाने के बाद से 1-2 घंटे बाद छोड़ देंगे, जब ये अच्छे से ड्राई आउट हो जाएगा फिर आप अपने पूरे बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे। ऑयलिंग के 2 घंटे बाद आप चोटी कर लीजिए, ब्रेड बना लीजिए और छोड़ दीजिए। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट डे भी आपको टोनर लगाना है ब्रेड खोल करके, फिर 2 घंटे बाद आपको चोटी बना लेनी है। इस तरीके से आपको रूटीन को जब फॉलो करेंगे तो आपको धीरे 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 रिजल्ट्स इतने अच्छे आएंगे आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो टोनर बनाइए, जो फीडबैक आते हैं शेयर कीजिएगा मेरे साथ में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाय।